राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग के बाहर होने वाले समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भी भेजा गया है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गारंटियों की भी झलक देखने को मिलेगी। समारोह स्थल पर भाजपा के झंडों और होर्डिंग काउंटर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां उदयपुर जिले के फलासिया तहसील मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को धक्का मारकर भगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 9 बजे उपचार के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला को नर्सिंग ऑफिसर ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि गर्भवती के साथ आई महिला ने बदतमीजी की और मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं की। इस मामले में झाड़ोल बीसीएमओ ने नर्सिंग कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ ने इस पे जांच के आदेश भी दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मानहानि केस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की रिवीजन कोर्ट से झटका लगा है। रिवीजन कोर्ट ने राहुल एवेन्यू कोर्ट के समन जारी करने के आदेश के खिलाफ दायर गहलोत की याचिका को खारिज कर दिया है। रिवीजन पिटीशन खारिज होने के बाद अब गहलोत के खिलाफ राहुल एवेन्यू कोर्ट में मामला चलता रहेगा। वही उन्हें आगामी पेशी 15 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर भी होना होगा। हालांकि गहलोत की तरफ से हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट भी मांगी जा सकती है, लेकिन ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलती है या नहीं। राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना के जरिए दवाइयां नहीं मिलने से मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आरजीएचएस योजना में दवा बेचने वाले फार्मिस्ट का 350 करोड़ रुपए का पेमेंट अटकने से मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ मरीज भी परेशान हो रहे हैं। बीते दो हफ्ते से आरजीएचएस में पंजीकृत 3,500 मेडिकल स्टोर अब केवल गंभीर मरीजों को अधिकतम 7 दिन की दवाई दे रहे हैं। दोबारा दवाई देने के लिए मरीज को 7 दिन बाद फिर से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर पर लाइन पर लगाना मजबूर हो गया है। किडनी, हार्ट अटैक सहित अन्य गंभीर मरीजों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के 17 नवंबर 2023 को जारी साक्षात्कार परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पूर्ण गणना कराने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थी प्राप्तांकों की पूर्ण गणना के लिए 15 दिसंबर से 26 दिसंबर 2023 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर एग्जाम डैशबोर्ड के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन लिंक कॉलम में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन किए जा सकेगी।